बस ये मट्टी है और मट्टी के अंदर रेत है जो उन्होंने मिक्स की हुई, ताकि गारा जो है वो नरम रहता है इससे मट्टी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो माशाल्लाह से जी हम लोगों ने जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे काम स्टार्ट कर दिया है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो है हम अपने जानवरों को इस साइड पे शिफ्ट करने लगे हैं जी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बनवा रहे हैं जी बरामदा, और आज जो है हम लोगों ने माशाल्लाह से ये रेत की जो है वो भर्ती वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने ये जो आपके पीछे हमारे रूम दिखाई दे रहे हैं इनके बराबर जो है वो भर्ती करवानी है, यानी लेवल करना है। और रेत के साथ क्यों करवाई है, क्योंकि ये रेत जो है हमें फ्री में पड़ती है के लेके, और ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब जो है ये रेत कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं ये कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला वो मैं ट्रैक्टर वालों के साथ जाऊँगा और वहाँ पर जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये कल की वीडियो में मिस्त्री साहब और जो उनके साथ मजदूर भाई हैं वो लगे हुए हैं जी इधर काम करने पे। हम लोग जो हैं ये यानी सीमेंट यूज़ नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं कि गारा जो है जो मट्टी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये भी उस्ताद जो है वो क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि सीमेंट यूज़ करेंगे, लेकिन उस्ताद साहब ने बोला कि जो है वो अगर आप ये यूज़ करें तो इससे कमरा जो है वो जानवरों का वो ठंडा रहता है। यानी ये कि ये बताइएगा और हमारे दोस्तों को भी बताइएगा कि ये जो आज हम बरामदा जो है वो कल से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई 80 फुट, चौड़ाई 14 फुट। लंबाई 80 फुट है जी, जी। और चौड़ाई जो है वो 14 फुट। 14 फुट। और इस कितने वो जो है वो गार्डर इसके ऊपर आएंगे? जी 15 गार्डर आते हैं। 15? ये 15 गार्डर जी। तो जैसा कि ये मेरे भाई साहब मिस्त्री साहब ने बताया कि इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 80 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फुट है जी। हम लोग ये यहाँ तक ये जो आपका सारे का सारा एरिया नज़र आ रहा है कल हम लोग जो है वो रेत की भर्ती करवाएंगे और इसके बराबर जो है हम वो लेके आएंगे इसको। इस तरह जो है जो गारा है वो तैयार किया जाता है। अभी ये गारे की तैयारी का जो मरला है वो जो स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर मट्टी के अंदर ये लोग रेत भी डालते हैं। और ये रेत जो है इसलिए डालते हैं ताकि गारा जो है वो नरम रहे, सख्त नहीं हो ज़्यादा। और जो भाई कह रहे हैं कि जो मट्टी के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो गल जाते हैं अंदर इस रेत डालने की वजह से। ये देखें इस तरह जो है ये मुसलसल ये जो बेलचा है हम लोग इसको कई बोलते हैं ये चलाते रहना है जी इस तरह, और पाँव के साथ भी जो है वो मिक्स करते रहना मट्टी को ये इस तरह। ये देख और ये छोटे भाई जो हैं ये जो
ये उधर से ईंटें उठा उठा के ये इधर फेंकनी शुरू कर दी हैं जी। और ये देखें छोटे, इसको एक ही दफ़ा आप लोग क्यों नहीं तैयार कर लेते हो ताकि बार बार आपको तैयार नहीं करना पड़े? बार बार आप इसको क्यों तैयार करते? सख्त हो जाता है ये। भाई साहब कह रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा हम लोग तैयार करते हैं जी, ताकि जो है ये सख्त नहीं हो, क्योंकि जो है वो ज़्यादा तैयार करेंगे तो वो खुश्क हो जाएगा और फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा और दोबारा से फिर इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं जी, और ये हम लोग लगा लेंगे, ये यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद फिर और बना लेंगे। इस तरह जो है ये सिलसिला चलता रहता है जी। बस ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर रेत है जी, उन्होंने मिक्स की हुई इससे, ताकि गारा जो है वो नरम रहता है, इससे मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है और आराम से जो है इससे जो है वो चुनाई जो है वो आराम से हो जाती है। ये इस तरह जैसे आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये गारा, लोग इस तरह जो है ये मिट्टी जो है वो यूज़ करते हैं। और इसका यानी फ़ायदा ये है कि इससे जो है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो गर्म हो जाता है अंदर से और तपिश आती है उसकी, और इससे ये है कि जो रूम है वो ठंडा रहता है जी। तो साजी कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? चार साल हो गए। तीन चार साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी तीन चार साल हो गए बगैर उस्ताद के काम करते हुए? अच्छा। ये कह रहे हैं कि ये आप जो है वो तकरीबन जो है वो जिंदगी में ये काम जो है वो सीखते ही रहते हैं। हमें तो लोगों ने जो कल का बोला हुआ था अभी से आज से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, हम तो इनका कल का वेट कर रहे थे और अभी हम बैठे थे भी अचानक से जो है ये भर के लेके आ गए और इन्होंने बोला कि नहीं हमारा हम आज से स्टार्ट करेंगे। और ये देख और ये देखें जी, ये हम लोगों ने वो जो लास्ट में वो आपको दिखाई दे रही होगी वो रेत जो है वो बाउंड्री है वहाँ तक, वहाँ से उसकी बिल्कुल इस तरह लाइन में जो है हम लोगों ने वो इसके बराबर, इस प्लाट के बराबर करना है जी इसको। ये देखें, ये देखें जी। और जैसे जैसे जो है ये काम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा मैं जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। और हमें तो भाई मैं रेत के बारे में कह रहा था कि क्योंकि शहर के अंदर तो ये जो है रेत भी उनको ख़रीदनी पड़ती है, पे करना पड़ता है,
और शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो है यहाँ पे ये फ्री में है। और ये देखें, क्योंकि अगर कैमरा मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं, आपको शायद रेत के टीले नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से जो है ये लोग उठा के जी ला रहे हैं। और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, ये सारे का सारा सहरा है जी। अगर मैं यहाँ पे कैमरा करूँ और मैंने और जूम करूँ अगर मैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये लोग जो हैं जी उठा के ला रहे हैं ये वाली रेत। ये देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पे, क्योंकि हमें ये रेत जो है फ्री में पड़ती है, और अगर आपको ख़रीदनी पड़े या जब आप रेत लेने के लिए जाते हैं तो एक ट्राली आपको कितने में पड़ती है या कितने के मिलते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा जी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।